आज हम बच्चों प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, किस तरह श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म के द्वारा अपने अभिवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा होगा कि बारिश के मौसम में इंद्र धनुष बनता है, या फिर उसमें अलग डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, या फिर कहीं सड़क पे या कहीं भी आपने देखा होगा हल्का सा तेल वगैरह गिर जाता है, उस पे भी तुमको बहुत सारे कलर्स दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें भी आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स। तो वो कलर्स कहां से आते हैं? वो कलर्स हमारे जो सन से स्वयं प्रकाश हमको मिल रहा है इसी से प्राप्त होते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रिज्म द्वारा स्वयं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, इससे पहले अध्ययन कर चुके हैं, प्रिज्म विचलन प्रोड्यूस करता है। यदि कोई किरण उस पर आपतित होती है तो वो उस किरण में एक विचलन यानी उसकी डायरेक्शन को वो बदल देता है, जिसके कारण जो स्वयं प्रकाश है उसके डिफरेंट जो कलर की किरणें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि उनमें विचलन अलग अलग होता है। तो विक्षेपण क्या होता है, स्वयं प्रकाश का प्रिज्म द्वारा उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, यानी कि स्वयं प्रकाश जो उनको संदेश प्राप्त हो रहा है इसका किसी प्रिज्म के द्वारा, और प्रिज्म वो किसी तरीके से हो सकता है, यानी कि जो एक ड्रॉपलेट होती है, बूंद होती है पानी की, वो भी काम कर सकती है, बबल भी काम कर सकता है, या कोई सरफेस जैसे ऑयल वगैरह पड़ा है तो वो भी काम कर सकता है। तो उससे जब वो गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में, यानी अवयवी रंग जिनसे वो मिलकर के बना है उनमें टूट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। इसमें समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट कलर्स होते हैं। आइए मान लीजिए स्वयं प्रकाश किरण थी, ये हमारा प्रिज्म है ए बी सी, और कोई स्वयं प्रकाश किरण, स्वयं प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है। जैसे ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी क्या होगा, इसमें विचलन होगा, विचलन अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अवकाश का परिवर्तन अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। तो बैंगनी रंग के लिए परिवर्तन सबसे अधिक होता है इसलिए उसका विचलन सबसे ज्यादा, और लाल के लिए परिवर्तन सबसे कम होता है कांच का इसलिए उसका विचलन सबसे कम होता है। तो जो व्हाइट लाइट थी वो जैसा कि आपने देखा कि फिर से टूट गई, तो टूट गई सेवन कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो सेवन कलर्स कौन से हैं, जब नीचे से बात करें तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में भी हम देखें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनका जो क्रम है ये बहुत जरूरी है, क्रम आपको याद रखना चाहिए। क्रम के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, हिंदी में हम कैसे याद रख सकते हैं, हिंदी में हम याद रखने का एक फार्मूला है, वै जानी हपी नाला, यानी कि वै जानी हपी नाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इंग्लिश में, अंग्रेजी में कैसे इसको हम याद रख सकते हैं, इसके लिए तरीका है VIBGYOR, यानी इनका फर्स्ट लेटर्स ले लिया गया है VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सेवन कलर्स हैं, उनके क्रम से ही आपको याद रखना है, चाहे आप विगवार से याद रख सकते हैं या फिर वैगानी हबी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या फिर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
बताया, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अपवर्तनांक के केस में कि जो अपवर्तनांक है कांच का वो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, तो बैंगनी के लिए सबसे अधिक इसलिए उसका विचलन सबसे ज्यादा, लाल के लिए सबसे कम तो उसका विचलन सबसे कम। तो इस आधार पे दूसरा एक होता है कि ग्लास स्लैब, क्या एक मोटा जो कांच का ग्लास स्लैब है उससे भी ये हो सकता है? नहीं हो सकता, उसमें विचलन नहीं होता है ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब के द्वारा सिर्फ पार्श्व विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको हम समझ सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कैसे। अब मान लीजिए दूसरा प्रिज्म हम रख देते हैं, जैसे एक दूसरा प्रिज्म रख दें तो ये ग्लास स्लैब की तरीके से बिहेव करने लगेगा। देखिए किस तरीके, ऐसे मान लीजिए आपने उल्टा करके रख दिया, एक उल्टा करके प्रिज्म आपने रख दिया इस तरह, ऐसे रख दिया जी। तो जब ये किरणें इस प्रिज्म पे पड़ेगी तो फिर ये आधार की ओर मुड़ेगा, और जब जैसे ही ये आधार की ओर मुड़ेगा तो फिर से ये कंबाइन हो जाएगा, यानी ये सारी किरणें एक फिर से आपस में जुड़ जाएंगी और फिर से हमको क्या है एक स्वयं प्रकाश ही प्राप्त होगा। तो यदि हम एक दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख देते हैं यहां पर, तो ये दोनों को मिलने से हमको क्या है एक ग्लास स्लैब की तरीके से संरचना मिल जाएगी, इस तरीके से संरचना मिलेगी। तो ये तो ये जो आकृति है ये ग्लास स्लैब जो है, ग्लास का टुकड़ा मोटा कांच का टुकड़ा, उसी तरीके से काम करेगी, जो व्हाइट लाइट इसमें पड़ेगी उसी वही वापस भी लौट जाएगी।